हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बजरी माफिया का सामना करते शहीद हुए भवानी सिंह का तामलौ श्रद्धांजलि कार्यक्रम पुलिस लाइन में शहीद स्मारक पर उनके छाया चित्र पर श्रद्धांजलि दी। शहीद भवानी सिंह तामलौर के बारे में बताया इस तरह। दौसा में बजरी माफियों का सामना करते हुए शूर वीरता का परिचय देकर शहीद हुए सीमावर्ती तामलौर निवासी शहीद भवानी सिंह को टीम थार के वीर के संयोजक रघुवीर सिंह तामलौर ने बताया कि तामलौर के बुजुर्गों ने जिस तरह से 1965 और 1971 के युद्ध में भारतीय सेना के साथ मिलकर पाकिस्तान को धूल चटाई थी, उन्हीं संस्कारों से प्रेरित होकर तामलौर निवासी भवानी सिंह ने अपने पिता की इकलौती संतान होने के बावजूद भी देश रक्षा बॉर्डर होमगार्ड को ज्वाइन किया और अपने घर से 800 किलोमीटर दूर बजरी माफियों का वीरता से सामना करते हुए स्वयं को देश हित में बलिदान कर दिया। शहीद भवानी सिंह को अंतिम विदाई दे रहे सैकड़ों युवा पहुंचे। इस दौरान टीम थार के वीर के संयोजक रघुवीर सिंह तामलौर ने उपखंड अधिकारी के समक्ष तामलौर स्थित स्टेडियम का नामकरण शहीद भवानी सिंह के नाम पर करने की मांग की। वहीं सरपंच हिंदू सिंह ने शहीद भवानी सिंह की स्मृति में 2 लाख रुपए की घोषणा करते हुए प्याऊ निर्माण का आश्वासन दिया। कांग्रेस के युवा नेता आजाद सिंह राठौर ने राज्य सरकार द्वारा शहीद भवानी सिंह के परिवार को 22 लाख रुपए का मुआवजा, आश्रित को नौकरी और मरणोपरांत डीजी सम्मान दिए जाने का राज्य सरकार को साधुवाद ज्ञापित की। इस दौरान बाड़मेर कलेक्टर विश्राम मीना, बाड़मेर विधायक बेमाराम जैन, रावल त्रिभुवन सिंह, पूर्व पुलिस उप अधीक्षक खीव सिंह भाटी, बॉर्डर होमगार्ड के अधिकारी, थार के वीर टीम रघुवीर सिंह तामलौर, प्रेमाराम भादुबाल सिंह, रमेश ईदा, कार्यक्रम पुलिस विभाग जवानों स्मारक, भव्य सजावट की शहीद परिवार के बच्चों की शिक्षा का जिम्मा बाल सिंह व बादल सिंह सब मिलकर सहयोग करेंगे। परिवार एक जने नौकरी दिलाने, बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन ने कहा कि सरकार से बात करेंगे। मंच का संचालन रघुवीर सिंह तामलौर ने किया। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए प्रेमाराम भादु थार के वीर, इन्होंने ये कहा। टीम थार के वीर की ओर से आयोजित कार्यक्रम में बाड़मेर कट के रावल आदरणीय त्रिभुवन सिंह जी साहब सहित रिटायर्ड एडिशनल SP खीव सिंह जी भाटी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता पुलिस के और बॉर्डर होमगार्ड के जवान उपस्थित हुए। सबसे पहले श्रद्धांजलि कार्यक्रम हम भवानी सिंह जी को देते हैं और इस कार्यक्रम में सब लोगों ने टीम थार की वीर और निजी शिक्षण संस्थान की ओर से भवानी सिंह जी के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी लॉयंस क्लब मालाणी ने मिलकर ली है और साथ ही बाड़मेर के निवासियों को फख्र है अमर शहीद भवानी सिंह जी पर, और शीघ्र ही हम लोग मिलकर के उनके परिवार की आर्थिक मदद भी करेंगे और बाड़मेर के युवाओं को प्रेरणा लेने की आवश्यकता है कि अपने कर्तव्य प्रणता के लिए अपना सुप्रीम सेक्रीफाइस भवानी सिंह जी ने दिया है, हम उनको सैल्यूट करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से खास रिपोर्ट।